गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हमने आपको 3A एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी, जो आपने अपने घर पर होमवर्क के रूप में किया भी होगा। और आज हम 3B पर चल रहे हैं। 3B मतलब पेज नंबर 60 पर है। तो इसमें क्या है, कंपेयर शब्द आता है, तो कंपेयर हमें करना होगा रेशनल नंबरों का। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव लगा है, यह भी नेगेटिव लगा है, तो अब हम इस नेगेटिव को कहां ले जाएं? तो हम इसको कहते हैं कि न्यूमरेटर पर नेगेटिव को लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन तो आपकी नेगेटिव ही रहेगी, चाहे न्यूमरेटर में लगा हो, चाहे वो डिनोमिनेटर में, चाहे वो इस तरह सामने लगा हो। दूसरा है, इसमें भी नेगेटिव है, एड कर दिया। अब हम क्या देखते हैं एक सरल तरीके से कि इसका इसे मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसे कर दें। जैसे -7 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 56 हो गया माइनस का। अब 24 मल्टीप्लाई -3 तो -72 हो गया। अब आपने देखा कि दोनों नेगेटिव तो है आंसर, लेकिन इक्वल नहीं है, या बड़े छोटे हमें देखने हैं तो हमें बड़ा छोटा भी दिख रहा है। तो अब आप देखोगे -56 और -72 में कौन सा नंबर बड़ा है। अब असमंजस में मैं कह रहा हूं -56 बड़ा है। क्यों बड़ा है? 72 क्यों नहीं बड़ा है माइनस का? क्यों? हमने नंबर लाइन में पहले भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा, 5 में भी पढ़ा कि जो नंबर माइनस के यानी नेगेटिव इंटीजर 0 के नजदीक होते हैं वो नंबर बड़े होंगे, और जो नंबर दूर होंगे वो छोटे। यानी नंबर लाइन में हमने पढ़ा था, इस तरह से बनाई थी, यहां पर नेगेटिव था, तो ये नंबर लाइन में जितनी भी हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो लार्जर टू स्मॉलर होते चले जाएंगे, यानी बड़े से छोटे। इसमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इस एक्सरसाइज में साइन पर पूरा क्वेश्चन रुकेगा। यदि आपने साइन को गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास -56 बड़ा है, तो पहला नंबर का नंबर है बड़ा, तो इसलिए हमारा ये ग्रुप बड़ा हो गया, यानी कि -7/24 इज ग्रेटर देन -3/8। लेकिन इसलिए केवल इस किताब में जब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन केवल साइन के लिए बोला है, अगर ये पूछता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो हमें यहां लिखना पड़ता -7/24 इज ग्रेटर देन -3/8। इसका दूसरा पैटर्न देखें आप, 7/24 कॉमन लगा दें और -3/8। दूसरे पैटर्न में हमने क्या देखते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते समय हमें 24 और 8 का देखना है, तो हमारा एलसीएम 24 आ गया, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा 24 आया। 24 का 24 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, 1 का हम मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो रिजल्ट हमारा -7 आ गया। 24 डिवाइड बाई 24 रिजल्ट विल बी 1, मल्टीप्लाई बाई -7 रिजल्ट विल बी -7। ऐसे ही फॉर्म 8 डिवाइड बाई 24 इज 3, 3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 9। अब आप दोनों सिचुएशन में देख रहे हैं, एक -7 है एक -9 है, तो -7 इज ग्रेटर देन -9, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर बड़ा, फर्स्ट नंबर में हमने लगा दिया। एक हम आपको बता दें, ये मेथड इजीली है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से आप कर दें,
ये मेथड थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है कि अगर बड़ी सी संख्या आप मान लीजिए यहां पर 83 आ जाए, यहां पर 124 आ जाए, अब हम इसका इतना बड़ा एलसीएम लें और नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें, क्लियर आ जाएगा। अब आपको दोनों मेथड में से जो भी मेथड अच्छा लग रहा है तो वो आप कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि सर इसमें डिनोमिनेटर है नहीं, तो हम क्या करें, तो डिनोमिनेटर बनाइए। कैसे, देखो 9/20 हम 45/100 लिख सकते हैं। अब हमने क्यों लिखा 100, ये भी चीज देखें, यहां पर डेसिमल प्लेस नंबर 2 है और हमें डेसिमल हटाना है नंबर से, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो डेसिमल तो ऊपर हट गया नीचे 100 आ गया, वही क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर रहे हैं आप इनको, तो 9/100 = 900 और 20/45 तो 45 × 90 और 900। अब देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ, दोनों हमारे ग्रुप 900 आ चुके हैं और दोनों बराबर हो गए, जब बराबर हो गए तो हमारा साइन इक्वल का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पहला कर सकते हैं आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें राइटिंग ऑर्डर फ्रॉम लीएस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आप देखो पहले आपने पढ़े होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई सवाल नहीं, लीएस्ट टू ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट टू लीएस्ट, अब इसकी हिंदी बदल रही है चीज वही कि लीएस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा, और छोटे से बड़ा हम लगाते थे तो किस ऑर्डर में लगाते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं लीएस्ट टू ग्रेटेस्ट, क्या देखते हो, हम इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इजीली है कि जिसमें आपका Q2 हमारा डिनोमिनेटर है सभी में, तो हम आराम से देख लेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में बी वाले में होल नंबर दिए हैं, मिक्स नंबर दिए हैं, तो कैसे करें, 1/1/2 और दूसरा देखो 0 है, अब -2/3/4 -5/6 -1.5 उसे चेक कर लो, 1/1/2 0 -2/3/4 -1/5/6 -1.5 अब इसको लीएस्ट टू ग्रेटेस्ट बनाए, बड़ी असमंजस की गाली बनी हुई है, तो हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले हम अपने एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे नंबर, जैसे 2/2 और उसमें 1 जोड़ दिया 3/2, अब आपने देख लिया हमने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनाया, 0 को हम छोड़ेंगे नहीं, यदि 0 है तो उसको मतलब खत्म कर दो, नहीं, 0 का अपॉन हम 1 लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का हम देखेंगे तो 1 हो सकता है। पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ाया था आपको P/Q जब रेशनल नंबर आया था, तो उसी तरह से इसमें भी है। अब इसका करें 4 × 8 में 3 जोड़ा 11 और ये माइनस हमारा रखना पड़ेगा, अभी हमने बताया क्योंकि इनके साइनों को ध्यान सही रखना, ऐसे ही आगे 6 × 6 में 5 जोड़ा 11/6, अब फिर कोई चीज आ गई कि पॉइंट है तो हम पॉइंट हटा दे, जैसे डीजी हटा दिया हमने, क्यों, डेसिमल में 1 डिजिट है तो हमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा
हमारा पॉइंट हट जाएगा तो 10 हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इन सभी नंबरों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों? अब जो सोचो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दे सर, ऐसा नहीं करेंगे, ये केवल कंपेयर के लिए था, दो नंबरों का हम देख सकते थे, लेकिन अब दो से ज्यादा है तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। क्यों? टू से भी वो 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब नहीं आ रहा, 6 से भी नहीं, 10 से, इस तरह से ऐसा नंबर ढूंढना जो सभी से कटे तो 60 आए। अब 60 हमारा 4 से क्रॉस किया जा सकता है, 6 से भी हो जाएगा, 10 से भी और 2 से भी। अब 2 से कितने टाइम हुआ, 30 टाइम, तो 30 टाइम हुआ तो 30 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90, 1 का 60, 60 टाइम हुआ, लेकिन 60 का 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। अब 4 का किया तो 15, अब 15 का 11 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 165, और वो भी माइनस का। अब आगे किया तो 10 बार 10 का मल्टीप्लाई किया तो 110, आगे किया तो 6 बार 15 6 90 माइनस का, ये नंबर आपके सामने खुल चुके हैं पूरे। अब इसमें हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। अब सबसे छोटा आप क्या सर जी, 0 है। फिर मैंने आपसे कोई बात कहेंगे कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो छोटे होते चले जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो 165 दिख रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा है। क्यों है? क्योंकि ये माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का 165, ये किसका नंबर है, माइनस 2। अब ये आपको क्वेश्चन की तरह से लिखना पड़ेगा, चेक रखना पड़ेगा, माइनस 2/3 अपॉन 4 स्मॉल। अब दूसरे 90 माइनस पे आ जाइए, अब देख रहे हो 90 ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला नंबर रहा माइनस 1.5। अब आइए 3 में, 110 0 90 तो 0 होगा। अब 90 का है तो 90 का 1/1/2, अब 110 का 1/5/6। ये साइन लगाना जरूर पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो ये हमारा नंबर, ये नंबर में कौन बड़ा है तो हम कहेंगे 1.5 माइनस का बड़ा है इस नंबर से, माइनस 2/3/4 से। तो ये इस तरह से प्रोसीजर चलेगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3D में केवल दो सवाल थे, एक आपको करा दिया कंपेयर और एक इसमें करा दिया नियरेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये आपको घर से अब करने पड़ेंगे। हमारी 3D खत्म हो गई।